क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड टेक्निक. सो एवरी आइडिया से मैंने दे दिया है व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिविटी, राइट द शॉर्ट नोट ऑन इट, एंड देन वी हैव सीन दैट व्हाट इज द मेथड, द वे दैट डिफरेंट ज्योग्राफर्स हु हैज गिवन द सपोर्ट इन द डिफरेंट टाइम पीरियड, एंड देन वी हैव बीन एबल टू सी द मेथड्स व्हिच हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द टेक्निक्स एंड देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. अगला लोकेशनल एनालिसिस होना चाहिए, लेकिन अभी लोकेशनल एनालिसिस नहीं करेंगे. क्या करेंगे हम लोग? बिहेवियरलिज्म. क्योंकि लोकेशनल एनालिसिस इज कंप्लीटली व्हाट? क्वांटिटेटिव, मास एंड ऑल. आपको आज मैंने पूरा चार्ट दिया है, इससे दिमाग में आपका क्या हो जाएगा, कैसे ज्योग्राफी इन्वॉल्व हुआ, डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन मेक इन अ पिक्चर. बिहेवियरलिज्म, इट कैन एज अ रिएक्शन टू क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इट कैन एज एन अ रिएक्शन. यस, कैसे आया? यस टेल मी. क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का रिएक्शन हुआ कि बिहेवियरलिज्म आया. लेकिन इससे पहले, थोड़ा सा हम इस चीज को पढ़ने से पहले हमें ये पिक्चर देखना है. अंडरस्टूड? वी हैव इन अ रियल वर्ल्ड. व्हाट वी हैव? टेल मी. रियल वर्ल्ड. एंड इन द रियल वर्ल्ड को ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग. यस, किस बेसिस पे देखेंगे आप? प्री डिटर्मिंड इंफॉर्मेशन दैट यू आर हैविंग इन योर माइंड. यस, तो रियल वर्ल्ड को यू आर वॉचिंग एंड देन यू आर गैदरिंग इंफॉर्मेशन. यू आर गैदरिंग इंफॉर्मेशन इन योर माइंड एंड देन योर परसेप्चुअल रिसेप्टर्स आर देयर. आपका एक अपना परसेप्शन है एंड यू रिसीव दोज इन इंफॉर्मेशन एंड देन आउट ऑफ सम इंफॉर्मेशन ऑन योर predetermined information you try to filter those information, that is known as perceptual filter. Again I said that real world you have seen, and from the real world what you have seen, your information and the outside information, internal information. Kantianism is also talking about inner and external. So I said that humne kya bola, real world ko you have seen. And then two types of information. One it is you are getting from the outside, and one it is an information from your inside. Predetermined ideas, information of yours, and that is going in your mind, and it is in the form of, yes, tell me, perceptual receptor. And now you have done filter. उसके बाद आपने उससे value निकाला. जो भी आप समझ रहे होंगे filter करके समझ रहे हैं. That is known as I said that. वैल्यू सिस्टम. और उससे आपने पूरा इमेज तैयार किया. अंडरस्टूड? एंड वो इमेज आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा इन द डिसीजन मेकिंग, हाउ टू राइट, व्हाट टू राइट. यस आर नॉट? यस. एंड उस राइटिंग से आप यदि आगे डन में यू बिकम रिसर्चर्स एंड ऑल, उसी इमेज से, जो इमेज आपने लिया है डिसीजन से, अगेन आप रियल वर्ल्ड पे कुछ बुक्स लिख सकते हैं. यस आर नॉट? और यू कैन, योर बिहेवियर विल ऑल्सो गेट change. Your behavior will also get changed. Now tell me, is it okay? Real world. What is I said that? There is in a real world, and the real world ka information liya. Which are the two types of information? External information and internal information. And usse aapne kya kiya? External information ko perceptual receptor. Perceptual receptor has been further, this information has been filtered by the perceptual filter. Yes. And then one, it is which one? Value system. You created a value system, and thereafter you made an what? Us value se aapko dimag mein aaya, acha iska ye importance, you made an image. Yes, this is a quantitative evolution. Sir ne has given this kind of what? Chronology. So you made an image, and isko aap kya karoge? Further utilize in your decision, in writing the answer. Understood? Making some kind of other evolution for your part, and then you started writing something, and then you can
आपको क्या होगा उसके अनुसार से आपकी आंसर डिफरेंट हो जाएगी. दैट इज नॉन एज व्हाट बिहेवियर. दैट इज नॉन एज व्हाट बिहेवियर. और इट कैन बी योर बिहेवियर कैन एक्ट ऑन द वर्ल्ड और योर डिसीजन यू आर राइटिंग इट कैन ऑल्सो एक्ट ऑन द रियल वर्ल्ड. सो इट इज इन अ काइंड ऑफ व्हाट साइकिल. समझ में आया व्हाट इज आई सेड दैट वन यू हैव एन एक्चुअल रियल वर्ल्ड एंड वन यू हैव व्हाट एनवायरमेंटल. अंडरस्टूड. वैल्यू सिस्टम जो भी आपने देखा किस चीज को आप देखना चाह रहे हो आप इस चीज को क्लास को देखा तो आपने इसके रिलेटेड वैल्यू सिस्टम आपने तैयार किया इन योर राइटिंग. इफ यू आर सीइंग द सोसाइटी एंड पॉवर्टी तो उसके लिए आप वैल्यू सिस्टम तैयार करोगे. व्हाट आर द वैल्यू कैसे होता है व्हाट इज द वैल्यू इट डिफरेंट इट गोज फ्रॉम द 0 to 100 फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. आपने पॉवर्टी को देखा एंड यू सेड दैट सर आई हैव सीन लाइक दिस एंड आई हैव द रियल वर्ल्ड इज दिस and he will see you will see and one social reformer will see tino ka same value system taiyar hoga dimag mein ya different hoga different and one person who is in a who is going to give in a what is in a some kind of organizational structure to this everyone will have in a different kind of value system aur ek image banayega to take the decision for that yes or not. So we have been able to see this is clear. I said तो आपने क्या देखा इफ विल गो इन टू यदि आप कोचिंग क्लास लेते रहते यही क्लास कहीं और किसी और इन्वायरमेंट में कहीं और पे और यू आर टेकिंग एट जयपुर यू आर टेकिंग एट बनारस यू आर टेकिंग एट हैदराबाद एंड एनीवेयर तो वहां पर भी आपका क्या होता है स्पेस चेंजेस इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट बिहेवियर विल बी डिफरेंट. यस एम आई राइट. I said that if your space get change, means location get change, getting my point? Information get change, then what will happen? Behavior will also get change. Now, same, आज मैं जो पढ़ा रहा हूं आज के 10 साल के बाद पढ़ाऊंगा the same thing I'll teach you, it will be the better quality than today. Better quality. With respect to time also. Yes or not? So getting my point, I said that आज की टेक्नोलॉजी वही नहीं रहेगी कल की टेक्नोलॉजी इट विल बी डिफरेंट. I can show you the through the different graphics, better graphics. Oh, this is. Okay. So I said that behavioralism कैसे डेवलप हुआ जब बहुत सारे क्या नजर आए क्वांटिटीज डाटा behavioralism बोला हम लोग we can do something for the what? अब इससे पहले थोड़ा सा location की बात करें locational theories. Who has given? Von Thunen has given agriculture. This first it will be this kind of what I said that horticulture and all. Then there will be some forest and all other agriculture system. ये क्या हो गया? Location? क्या आज के date में India में available है? हाँ? Very less. बहुत पहले एक बार develop हो गया तो वैसे ही develop हो गया. आज भी आप जाओगे US में northeast of USA, there is developed all the northeastern part of United States of America is developed. And उसके surrounding आज भी आप देखते हो horticulture, animals. Are growing. उसके बाद क्या ग्रो करते हैं लोग वो लोग का एक अपना स्ट्रक्चर है दे आर ग्रोइंग व्हाट इज ना क्या बोलते हैं जो खिलाते हैं जानवरों को वो लोग मेज कॉर्न फिर वो कॉर्न खिलाने लग जाते हैं उनको. सो आई सेड दैट सभी जगह तो वैसा ही नहीं अवेलेबल होगा लेकिन हमें मैं क्या बोल रहा था दिमाग से निकल गया. अच्छा बिहेवियरिज्म सो मैं लोकेशनल पे आ गया था. लोकेशनल कंसेप्ट के अगेंस्ट एंड क्वांटिटेटिव रिलेशन के यूज करते हुए एज अ रिएक्शन टू इट दे स्टार्टिंग कमिंग ऑफ नो हम लोग बिहेवियर को स्टडी कर लेंगे तो ह्यूमन बींग के लिए क्योंकि इन्होंने नेग्लेक्ट किया था ह्यूमन बिहेवियर को नेग्लेक्ट किया था. ही हैज गिवन द व्हाट और अभी हमने किसका इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एनवायरमेंटल मैप मेंटल मैप एलडी स्टैंप हैज गिवन वी आर गिविंग द व्हाट वर्ल्ड मैप हैज बीन रियल वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू व्हाट इज इन अ Actual world has been converted into environmental map. Environmental world. Yes. Ab yahan pe iski importance badh rahi hai. And then I said that
ऑफ एन इंडिविजुअल सेज कॉग्निटिव इन्वायरमेंट ऑफ योर इन्वायरमेंट डिटरमाइंस द विच आई सेड दैट कौन सा प्रोसेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ अ इंडिविजुअल और ए मैन विच प्रोसेस ऑफ ए मैन नाउ टेल मी ये क्या कहना चाह रहा है व्हाट ही वांट टू से अभी आपने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग ना आपने रियल वर्ल्ड को ऑब्जर्व किया है ना यस तो मैंने बोला योर इन्फॉर्मेशन एंड इंटरनल इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन व्हाट आर द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर हैविंग दैट इज योर कॉग्निटिव इन्वायरमेंट यस एंड उसके बेसिस पे यू आर टेकिंग व्हाट इज एन परसेप्चुअल रिसेप्टर परसेप्चुअल फॉल्टियर देन वैल्यू सिस्टम एंड देन इमेज एंड देन डिसीजन मेकिंग अभी डिसीजन मेकिंग भी तो आया था आई सेड दैट तो ही सेड दैट कॉग्निटिव इन्वायरमेंट डिटरमाइन द डीएम प्रोसेस ऑफ अ मैन कहीं ना कहीं मैन इज नॉट ऑल मैन आर नॉट कैपेबल टू टेक डिसीजन यही कह रहा है ना इसका मतलब एवरी मैन कैन टेक द डिसीजन और नॉट आप बेस्ट डिसीजन की बात करते हो डिसीजन इज अ लो क्वालिटी हमेशा बेस्ट क्वालिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मैन इज नॉट सेड एज कंप्लीटली नॉलेजेबल परफेक्ट नॉलेज पर्सन मैन को कहीं ना कहीं ही इज व्हाट नेग्लेक्टिंग तो ये सिंपली सपोर्टिंग आप कब डिसीजन बेस्ट लोगे डिसीजन मींस यू हैव टू टेक द बेस्ट डिसीजन मींस यू हैव टू व्हाट इज गुड कॉग्निटिव एनवायरनमेंट गुड कॉग्निटिव परसेप्चुअल रिसेप्टर परसेप्चुअल फिल्टर देन द वैल्यू सिस्टम यू क्रिएटेड बिना अच्छे इंफॉर्मेशन को कैन यू क्रिएट द वैल्यू सिस्टम आई एम नॉट सेइंग एंड देयर आफ्टर इमेज एंड देन डिसीजन मेकिंग अंडरस्टूड मैं फार्मर से जाके बोलूंगा चलो इंडस्ट्री के लिए जाओ बनाओ डिसीजन लो सो डिसीजन मेकिंग सो सेज कॉग्निटिव इन्वायरमेंट डिटरमाइंस द विच डिटरमाइन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ अ मैन बिहेवियरिज्म अभी इससे मुझे और क्या दिख रहा है यस टेल मी बिहेवियरिज्म इज टॉकिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ सोसाइटी लॉट्स ऑफ मैन और इट इज एम्फेसाइजिंग इंडिविजुअल It is emphasizing which one? Individual. Not it is emphasizing group. Yes or not? एक तो आपको demerits यही दिख रहा है आपको. It is emphasizing which one? Individual. Again I said, behaviorism developed as a result reaction to the quantitative revolution. And then I said that it is trying to give, in the field of women geography, trying to give alternative to the spatial location theories. Generate primary data about the human behavior. Human behavior है ना and not rely on the secondary data क्या human behavior के लिए हम लोग secondary data पे rely करेंगे या primary data पे quantitative relation में you can rely on the secondary data okay अब मैं आपके बारे में आपके father से बात करूं and all then I can't be able to get the what is the data comparatively better for your aspects so we should rely in the behavioral geography we should rely on which data primary data understood जनरेट प्राइमरी डाटा अबाउट ह्यूमन बिहेवियर नॉट रिलाई ऑन द किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो आप जाकर आपके फादर जाके आपसे बात कर वो करेगी वो पर्सन से बात करेगा प्राइमरी डाटा अंडरस्टूड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थ्योरी बिल्डिंग इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बिहेवियरल ज्योग्राफी in the field who is trying to come against the or as an what alternatives to the locational theory to ye kya dene ki koshish kar raha hai yes alternative or alternative ka matlab what he has missed locational theory missed society who men ignored everything as that